असलम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल खेला गया एशिया कप का, जहाँ पर श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से एक डिसअपॉइंटिंग एफर्ट था और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एशिया कप अपने हाथ से गवा दिया और श्रीलंका ने पाकिस्तान को टॉस जीता था और फील्डिंग की थी पहले, और जहाँ पर पाकिस्तान ने एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका को 140 के दरमियान रोक सकता है, लेकिन जिस तरह एक मोमेंटम बन गई थी पाकिस्तान की, 58 पर 5 आउट थे श्रीलंका के, और उसके बाद जिस तरह एक पार्टनरशिप ने पूरा सिनेरियो बदल दिया। हमारे व्यूज यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 58 पे 5 उसके बाद एक पार्टनरशिप रखी है राजा पाकिस्तान और असरंगा के, जिसने पूरी सिचुएशन बदल दी श्रीलंका की, और श्रीलंका ने पोस्ट किया है 170 रन और एक ज़बरदस्त इनिंग्स थी असरंगा की और राजा पाकिस्तान की, जहाँ पे क्रूशल पार्टनरशिप लगी थी और पाकिस्तान ने वहाँ से मोमेंटम गवा दिया था और एक 20 से 25 रन एक्स्ट्रा हो गए थे जहाँ पाकिस्तान ने रोकना था श्रीलंका को। लेकिन खैर, पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग किया है, फिर एक डिसअपॉइंटिंग एफर्ट था। बिग स्ट्रोक नहीं थी और डॉट बॉल्स बहुत के लिए किए, और जिस तरह शॉट्स लग रहा था, पूर शॉट्स लग रहा था, और पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर अगेन एक्सपोज हो गया है, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास कोई मिडल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है जो प्रेशर को कंट्रोल कर सके। लेकिन एक एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। रिजवान ने स्लो इनिंग्स के लिए 170 चेज कर रहे हो आप, और 50 बॉलिंग खेल के आप 50 रन कर रहे हो, तो वो मायने नहीं देता। और उसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली एफर्ट किया था इस बैटिंग में, आई फील के कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी कि 170 चेज कर रहे हो, पर जहाँ पर इफ्तार और रिजवान डॉट बोथ भी कह रहे हैं और सिंगल डबल पे रिलाई कर रहे हैं ज़्यादा, और पूरी शॉट नहीं खेल रहे थे। मोहम्मद नवाज फेल, आसिफ फेल, इफ्तार फेल, खुशदिल शाह फेल, तो बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को भी टर्निंग करनी पड़ी, किसको ऊपर रखे, किसको मिडल ऑर्डर पे रखे, क्योंकि 3-4 जो पावर हिटर हैं आपके पास, वो आप मिडल ऑफ द इनिंग्स में उनको ला रहे हो। एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग हमारी पेयर नहीं चल रहा, बाबर आजम और रिजवान, और उसके बाद फखर जमान फील्ड, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की फाइनल में लक नहीं था, फील्डिंग ख़राब थी, उसके बाद बैटिंग एक्सपोज हो गई है, तो पाकिस्तान के पास अभी बहुत प्रॉब्लम आ गई है बैटिंग को बर्खास्त करके। बॉलिंग पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग है, आई फील के मिडल ऑर्डर में आपको नए बैट्समैन लाने पड़ेंगे, जिस तरह हैदर अली है, शाम मसूद है, उसके बाद शेम मलिक है, कमरान गुलाम है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज भी है, उसके बाद ट्राई सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान बड़ी चेंजेस करें। तो आई होप के मैनेजमेंट वापस रिफ्रेश होए और वापस भी अच्छी प्लानिंग करें कि किसको खिलाना चाहिए, किसको कहाँ खिलाना चाहिए, क्योंकि एक अप एंड डाउन हो रहा है बैटिंग ऑर्डर में भी, तो आप बहुत ज़्यादा शफलिंग कर रहे हैं। आप एक बैट्समैन को प्रॉपर रखें, खैर एशिया कप नहीं करना, लेकिन आपके पास अभी सीरीज आ रही है, तो आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। और आई फील के बहुत सारी ट्वीट्स भी आ रही हैं प्लेयर की तरफ से, शुभ मलिक कर रहे हैं कि लाइक एंड डिसलाइक, वो एक नया पाकिस्तान टीम में मोड़ आ गया, तो देखा जाएगा क्या हो सकता है, लेकिन आई होप के इन चीज़ों से पीसीबी साइड ले, क्योंकि जब हारना शुरू हो जाता है तो प्लेयर लाइक एंड डिसलाइक की बात करते हैं, तो आई होप के कुछ ना कुछ अच्छा होएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि एशिया कप तो आज से निकल गया, लेकिन अब अगली सीरीज की प्लानिंग करें जो इंग्लैंड आएगी पाकिस्तान खेलने के लिए, 60 T20 के लिए, उसके बाद ट्वाइस सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो लेट्स सी के किस तरह पाकिस्तान इन चीज़ों से ओवरकम आए और अच्छी परफॉर्मेंस दें। और हार्ड लक पाकिस्तान, लेकिन वेल डन श्रीलंका, जिस तरह श्रीलंका ने आई फील के एफर्ट किया है इस एशिया कप को
जीतने के लिए, कोई उनको नहीं कह रहा था कि एशिया कप जीत सकते हैं, सब बोल रहे थे कि कोई चांस नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आप टॉस पेपर निर्णय नहीं कर सकते, आपको खेलना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में इन्होंने एफर्ट किया, वो एक क्वालिटी साइन नज़र आई और बता दिया इन्होंने कि हम भी हैं इस मैदान में खेलने के लिए। तो वेल डन श्रीलंका, जिस तरह छठी बार इन्होंने एशिया कप जीता है, तो एक ज़बरदस्त इनिंग्स की राजापक्सा और असरंगा ने, जिस तरह पूरी मोमेंटम चेंज कर दी पाकिस्तान की, श्रीलंका की, वो जहाँ से पाकिस्तान वापस मैच में नहीं आया, मोमेंटम मिल गई जिस टीम को, वो उसको रोक नहीं सकते। तो वेल डन श्रीलंका, गया जिस तरह आपने एशिया कप ये खेला है, आपने बताया कि किस तरह खेलना चाहिए, एक क्वालिटी साइड और नए प्लेयर्स आए थे, और लेकिन उन्होंने इस चीज़ को साइड में रखा और एक जबरदस्त क्रिकेट खेली। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।